अस्सलाम वालेकुम जी रेस्टोरेंट्स, आज मैं आपको यूसी सेक्रेटरी के हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं अभी उसके हवाले से गाइड करूंगा कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये कहूंगा कि आप यूसी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो आपको बोलेंगे कि यूसी सेक्रेटरी की जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, इसका मतलब होता है यूसी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, वो क्या करता है। ठीक है, ये लाजमी है, ये हर जॉब में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मुझसे भी तकरीबन मैंने भी बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं, ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है। जो भी पोस्ट होती है तो वो पूछते हैं कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, काम क्या होता है। क्योंकि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि काम क्या होता होगा मेरा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के जो टर्म्स हैं उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कमेटी क्या होती है, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, गवर्नमेंट के कितने टाइप्स हैं, बेसिक्स इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपकी इतनी बड़ी पोस्ट तो है ही नहीं 70 स्केल की, क्या म्यूनसिपल ऑफिसर जैसे नहीं है, ये बेसिक है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं ना, एक फेडरल जो कंट्री लेवल पे होती है, दूसरी गवर्नमेंट प्रोवेंशियल होती है जो सूबाई लेवल पे होती है, थर्ड लोकल गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ठीक है, उसके बाद फुल फॉर्म पूछेंगे यूसी का क्या है, यूसी सेक्रेटरी के लिए आपने अप्लाई किया है, यूसी का फुल फॉर्म किया है तो यूनियन काउंसिल है। उसके बाद सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी की स्पेल पूछ सकते हैं, यूसी सेक्रेटरी के लिए आपने अप्लाई किया है, सेक्रेटरी की स्पेल बताएं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन याद करना है कि आप कहाँ से हैं, इंग्लिश में याद कर लें अच्छा सा। उसके बाद व्हाई यू ज्वाइन दिस जॉब, आप यूसी सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है बनने का, वो बताएं कि मैं सेकंड एम्प्लॉय हूँ, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं पूरा फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं चाहता हूँ जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से, और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, इसकी जॉब अच्छी है। ठीक है, वैसे बताना। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो आपने डिग्री की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरमीडिएट मेडिकल में की है तो उसी हिसाब से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन स्पेशली ये फोकस होगा, जैसे आज अकाउंटेंट की इंटरव्यू में फोकस हुआ है, वो अकाउंटिंग पे ही हुआ है, तो यूसी सेक्रेटरी की पोस्ट है तो इसमें भी लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आप लाजम पढ़ें, हायरार्की पढ़ें, यूनियन काउंसिलर है, यूसी काउंसिलर है, तहलका काउंसिलर है। ठीक है, इसके हवाले से ये थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लें, कोई भी आपकी यूसी है वहाँ पर जाएँ यूनियन काउंसिलर से या यूसी सेक्रेटरी से, आप इंफॉर्मेशन ले लें, इसी तरह की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो कर लें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा जो है और क्वेश्चन हो सकता है, वो बेसिक नॉलेज अबाउट लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में किसने बनाई थी, लोकल गवर्नमेंट के कितने टायर्स हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट किसने दिया, अभी कौन सा एक्ट चल रहा है, मतलब बेसिक से क्वेश्चन, इतने बड़े डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि छोटी पोस्ट है, लोअर स्किल पोस्ट है, तो बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, आपको बेसिक ही आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी चैनल से रबते में रहें, टच में रहें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। और टोकन क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, हर इंटरव्यू में जो काम आएंगे तो उसी के हवाले से मेरे पास वो PDF है, वो पेड मटेरियल है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर वो चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 03 04 9 8 44 22 4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।